हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे स्टार फिल बेसिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक राउंड ड्रॉ कर लेते हैं स्टार फिल के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने स्टार ड्रॉ कर दिया है। प्रॉपर्टी के अंदर आप जाने के बाद देख सकते हो, सबसे पहला ऑप्शन आता है स्टिच स्पेसिंग। तो स्टिच स्पेसिंग में यहाँ पर अभी 1 mm दिया गया है, हम यहाँ पर 1.5 mm सेट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि दोनों स्टार के बीच में स्पेसिंग का डिफरेंस है। यहाँ पे 1 mm का स्पेसिंग है और यहाँ पे 1.5 का। तो आप देख सकते हैं दो स्टिच के बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा हमने अगर स्पेसिंग में वैल्यू ज़्यादा दी है तो। उसके बाद ऑप्शन आता है स्टार ऑफसेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार ऑफसेट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है हिंट्स 0 फॉर परफेक्ट स्टार, यानी कि अगर यहाँ पे 0 वैल्यू दी गई है तो यहाँ पे एक परफेक्ट स्टार बनता है। बट अगर हम यहाँ से कोई वैल्यू चेंज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 5 सेट किया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसे बोलते हैं पगड़ी। आप यहाँ से ऑफसेट में वैल्यू को बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो पगड़ी की विड्थ कम और ज़्यादा होगी। इस तरीके से हम पगड़ी स्टिच ड्रॉ कर सकते हैं। देन उसके बाद ऑप्शन आता है नो एक्स्ट्रा पगड़ी स्टिच। तो हम यहाँ पे कोई ओपन शेप का ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे बेजर विद लाइन फिल के साथ। देन यहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया और स्टार फिल अप्लाई किया। अगर इसके अंदर हम स्टार ऑफसेट और स्पेसिंग चेंज करके और पगड़ी क्रिएट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनेगा। देन इसकी स्टिच कितनी है वो यहाँ पे शो करेगी 38। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करके साइड में लेते हैं, देन यहाँ पे ऑप्शन आता है नो एक्स्ट्रा पगड़ी स्टिच। हमने ये ऑप्शन को ऑन कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 38 की जगह 34 स्टिचेस हो गई हैं। यहाँ पर 4 स्टिचेस कम हो गई हैं। अब वो कहाँ से कम हुई हैं उसको चेक करने के लिए हम इस पर मशीन रन करके देखते हैं। यहाँ पे 2 बार स्टिच चल रही है, आप देख सकते हो, उसके बाद पूरा पगड़ी बन रहा है। देन यहाँ पे एक ही बार में पूरा ऑब्जेक्ट रेडी हो जा रहा है। तो इस तरीके से नो एक्स्ट्रा पगड़ी स्टिच का यूज़ ओपन शेप में आप स्टिचेस को कम करने के लिए कर सकते हैं। देन अगर हमें कोडिंग या फिर चेन की डिज़ाइन के लिए ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने हैं तो हमें प्लाज्मा फिल का यूज़ करना होगा। यहाँ पे आप स्टार फिल के ऊपर कर्सर रखते हैं तो आप देख सकते हैं स्टार एंड प्लाज्मा फिल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बेजर और लाइन फिल के साथ एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है जो हमें क्लोज शेप में रखना है, यानी कि टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे स्टार फिल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे एडवांस दिया गया है। एडवांस प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है बैक ऑन सेम लाइन, प्लाज्मा फिल, प्लाज्मा विथ लाइन फिल। तो ये तीनों ऑप्शन को हमें साथ में ऑन करना है तो इस तरीके का कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इसकी स्पेसिंग आपको चेंज करनी है तो आप प्रॉपर्टी में जाके यहाँ से स्टिच स्पेसिंग कर सकते हैं चेंज। तो यहाँ पे 2 लाइंस के बीच का डिस्टेंस कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट में लेंथ चेंज करना है तो लेंथ चेंज करने के लिए आपको एडवांस पैरामीटर में जाना है। देन यहाँ पे ऑप्शन आता है लाइन पैरामीटर। तो लाइन पैरामीटर के अंदर जाने से आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टिच लेंथ की ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से आप स्टिच लेंथ भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको ऑब्जेक्ट में लाइन कम या ज़्यादा चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे 3 लाइन्स आ रही हैं और अगर हमें यहाँ पे 2 लाइन चाहिए या फिर उससे ज़्यादा कम चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ पे ऑप्शन है स्टार ऑफसेट। तो अगर आपने प्लाज्मा फिल का इफेक्ट अप्लाई किया है तो स्टार ऑफसेट ये काम करेगा कि आपको लाइन कितनी चाहिए, जो कि ऑब्जेक्ट की साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर हमने यहाँ से ओनली 2 लिख दिया है तो जो 3rd वाली लाइन थी वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ओनली 2 लाइन्स यहाँ पर दिखाई देंगी। तो इस तरीके से आप प्लाज्मा फिल का यूज़ कर सकते हैं चेन और कोडिंग की डिज़ाइन के लिए। यहाँ से आप स्पेसिंग और ऑफसेट को चेंज करके लाइन को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, तो इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट रेडी होते हैं। देन उसके बाद ऑप्शन आता है ऑटो रिवर्स फिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो रिवर्स फिल का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चेन या कोडिंग की डिज़ाइन बना रहे हैं तो ऑटो रिवर्स फिल ऑन करना कंपलसरी है। ऑटो रिवर्स फिल ऑन करने से ऑब्जेक्ट अंदर से बाहर की तरफ बनता हुआ आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है वो कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है बनके।
पहले वो बाहर का कंप्लीट होता है, देन उसके बाद अंदर का ऑब्जेक्ट कंप्लीट करता है। लेकिन चेन और कोडिंग की डिज़ाइन जब आप बना रहे हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कि ऑब्जेक्ट अंदर से बनना स्टार्ट हो, तो उसके लिए ऑप्शन है ऑटो रिवर्स फिल। आपको ऑप्शन ऑन करके यहाँ से ओके प्रेस करना है, देन आप इसमें मशीन रन करके देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट पहले अंदर की साइड बनेगा उसके बाद बाहर की साइड बनेगा। तो ये था स्टार फिल बेसिक।